नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। कॉर्न या मकई आधा कप, नमक एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, देसी घी 3 से 4 चम्मच। मकई हमने सूखे वाला लिया है, यह किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। गैस जलाएंगे और कढ़ाई में घी, नमक, हल्दी डालेंगे और चलाते हुए मिलाएंगे। सूखे वाली मकई डालेंगे, कड़छल से चलाते हुए तेज आंच पर चटकने तक चलाते हुए भूनेंगे। आप इनको कुकर में भी भून सकते हैं। कुकर में भूनने के लिए आप कुकर में हल्दी, नमक, घी डालें, चलाते रहें। जैसे ही पॉपकॉर्न चटकने लगे, आप इस पर ढक्कन से लीड और सीटी निकालकर कुकर को ढक दें और जब तक पॉपकॉर्न चटकते हैं तब तक उसको ढका रहने दें। पॉपकॉर्न चटकने लगा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। छलनी या किसी ढक्कन से ढक देंगे, तेज आंच पर पॉपकॉर्न को चटकने देंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। गैस को बंद कर देंगे, आधा मिनट के लिए ढक्कन को लगा रहने देंगे। ढक्कन उतारेंगे, आप इनको मक्खन या तेल में भी भून सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। एक कटोरे में पॉपकॉर्न को निकालेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।